हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ डिवीजन में तो आपके चल रहा है एक्सरसाइज फोर के बाद में चल रहा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, वो हम कराने जा रहे हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ये दो चीज कर लो, केवल आप ज्यादा वर्क नहीं देंगे ना ज्यादा वर्क कराएंगे, केवल आप असेंडिंग और डिसेंडिंग अच्छे से समझ लो। क्या होता है असेंडिंग, क्या होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे अगला, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलता चला जाएगा असेंडिंग। ओके, डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग के अंदर सबसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, उससे छोटा, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, इस टाइप से चलते चले जाएंगे। एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सेकंड आपको सॉल्व करना होगा। अब इसमें चेक कैसे करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसमें काउंट द नंबर ऑफ डेज, इसमें कितने 3 to 5, इसमें 3 to 5 और 6, इसमें 5, इसमें 6, तो ऑब्वियसली जो 5 डेज नंबर है उनमें से दोनों में से कोई स्मॉल होगा, जिनों में स्मॉल है इन दोनों में से। अब इन दोनों में से जो सबसे स्मॉल कौन सा है, यहाँ पर जो 1 से स्टार्ट है कंपेयर है 1 1, अब इसके आगे देखिए इसके नेक्स्ट डेज कितना है 6, इधर कितना आ गया 9, कौन सा स्मॉलर हो गया ये वाला प्लस वाला, ये वाला स्मॉलर है किससे, इस नंबर से। हम लिखेंगे 1 6 1 1 9, ये देखो हमसे ध्यान रखना ये किसे लिखे हुए हैं, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, सबसे राइट साइड में 3 डेट होती है उस वाले को कॉमा लगाते हैं, उस वक्त एवरी 2 डेट पर कॉमा लगता चला जाता है, जबकि इंटरनल सिस्टम क्या होता है इंटरनेशनल में एवरी 3 डेट पर में कॉमा को यूज करते हैं। अब हम इसमें करने क्या जा रहे थे असेंडिंग, असेंडिंग में हमने सबसे स्मॉलर नंबर दे दिए, इसके बाद में 1 9 1 9 6 1 1, ओके, इससे ग्रेटर हो गया। इसमें आप इस टाइप से साइन भी यूज कर सकते हो, ओके, इससे ग्रेटर ये नंबर हो गया। अब देखो ये दोनों ग्रेटर हैं, इन दोनों नंबर से ये दोनों ग्रेटर है। अब इन दोनों ग्रेटर नंबर में से हमें देखना है कि स्मॉलर कौन सा है, सबसे फर्स्ट डिजिट जब चेक करो 1 है या 6 है, तो कौन सा स्मॉलर हो जाएगा ये वाला नंबर, क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 6, ओके, कॉमा यूज कर दो, साइन यूज कर दो 1 9 6 1 1 1, ओके, एंड लास्ट नंबर आपके पास है ग्रेटेस्ट 6 1 1 1 1 9, ओके। अब आप इसका जो बी पार्ट है उसको आप ट्राई करना, ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे, पहले आप इसको ट्राई करना अपने आप से, ऐसे समझ लो कि आपको ये होमवर्क है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ग्रेटेस्ट डेट को, ग्रेटेस्ट नंबर को, ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे चेक करेंगे, इसमें नंबर ऑफ डेट्स चेक करो, इसमें कितने हैं 3 to 5 1 6 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 सम 6 6 6 है, ओके। नाउ चेक द फर्स्ट डेट ऑफ द एवरी नंबर्स 1 2 5 एंड 9, देन ग्रेटेस्ट नंबर इज 9, सो राइट हियर 9 6 6 1 0 1 इज ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें साइन आप कौन सा यूज करोगे, ये आपका ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट इस टाइप से, ओके, क्रोकोडाइल की तरह, क्रोकोडाइल जिधर क्रोकोडाइल का होता बड़ा होता है, तो क्रोकोडाइल को बड़ा होता है क्रोकोडाइल ये है। इसके बाद इससे स्मॉलर 9 के बाद इसमें कौन सा आता है 1 2 6 एंड 5, ये बचे आपके पास में कौन कौन सा 1 2 5, ठीक है, ये बचे, तो हमारे पास 5 ये ग्रेटर नंबर है और सबसे, तो हम सबसे पहले 5 ले लेंगे 5 6 6 8 0 1, ओके, ये वाला नंबर ले लिया। इसके बाद 5 से भी स्मॉल कौन सा नंबर हमारे पास 2 है, तो इसको देखेंगे यहां पे साइन यूज कर लेंगे 2 6 6 6 0 2, ओके, ये वाला नंबर हमने लिखा है 2 6 6 6 0 2, ओके। नेक्स्ट लास्ट सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, ये वाला फर्स्ट, यहाँ पे आप लिख लो 1 0 0 2 0 1,
ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसका जो बी पार्ट है ये आप होमवर्क में करोगे, एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर हम फिर से समझाएंगे। आज आपको केवल छोटा सा वर्क दिया है, केवल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ओके, डिसेंडिंग और असेंडिंग, ये आपको वर्क दिया है, ओके स्टूडेंट। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और इससे रिलेटेड आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल है, जो भी है, आप सॉल्व करके देखना, ओके ओके स्टूडेंट। Wait for the next video.